शहर के कुछ चौक को छोड़ दें तो यातायात की व्यवस्था काफ़ी ख़राब। इस संबंध में जब हमने यातायात के उपाधीक्षक बिरजू पासवान से टेलीफोन पर बात किया तो उन्होंने कर्मी का रोना रोया। इन्होंने कहा कि कुछ कर्मी तो अवकाश ग्रहण कर लिए, कुछ कर्मी शादी विवाह में हैं, वही कुछ कर्मी ट्रेनिंग में हैं। दरभंगा दर्शन न्यूज़ ने बाघ मोड़ पर ग्राउंड रिपोर्ट किया तो वहाँ का हाल क्या है, क्या स्थिति है, वहाँ के लोगों ने क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा की एक ग्राउंड रिपोर्ट। यह मुख्य मार्ग है, आप अंदाजा कर लीजिए सुबह के 8:30 बजे हैं किस प्रकार से ये चौक व्यस्त हो गया। ये रात के 10 बजे तक ये चौक इसी प्रकार से व्यस्त रहता है, जैसे जैसे दिन बढ़ेगा यहाँ भीड़ बढ़ती जाएगी। ये तो हुआ एक पहलू, मैं दूसरा पहलू भी आपको बता रहा हूँ। सुबह के 9:30 बज गए, 9:30 होने को जा रहे हैं, यहाँ एक भी ट्रैफिक सिपाही नहीं है, ट्रैफिक पुलिस इस चौक पर नहीं है जो कि अति व्यस्तम इलाका है। ये चौक यहाँ से तीन तरफ रास्ता गया है, दिल्ली मोड़ जाने का, कादिराबाद पुराना बस स्टैंड जाने का और शहर में प्रवेश करने का। ये तीसरा मार्ग मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये शहर में प्रवेश करने का मार्ग है, लेकिन यहाँ ट्रैफिक पुलिस नहीं है। अगर हमारे नज़र में यहाँ तक हमारा ये नज़र जा रहा है, यहाँ एक CCTV कैमरे भी नहीं है। आप देख लीजिए यहाँ एक भी CCTV कैमरा भी नहीं है। आए दिन यहाँ घटनाएं घटती है, मारपीट की घटना घटती है, कई घटनाएं घटती है। शहर में प्रवेश करने का, शहर से बाहर निकलने का ये मुख्य मार्ग है। मैं आपको सीधा लाइव दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ के लोगों से भी बात करूँगा, पूछूँगा कि यहाँ क्या व्यवस्था है। देखिए कितना व्यस्त इलाका है, सबसे बड़ी समस्या है कि रोड पर ही लोग टेम्पू लगा देते हैं, न इन्हें प्रशासन का डर है, न यहाँ किसी का डर है। इन लोगों को जहाँ चाहते हैं ये लोग यहाँ टेम्पू लगा देते हैं। देखिए मैं इनसे बात कर रहा हूँ, ये लोग यहाँ टेम्पू क्यों लगाते हैं बताइए, आप लोग टेम्पू क्यों लगा देते हैं? ये चौक है, यहाँ टेम्पू लगा देते हैं, यहाँ टेम्पू लगा देते हैं, यहाँ पर ये चौक है, व्यस्त इलाका है। यहाँ पर ट्रैफिक नज़र आ रहा है आपको? ट्रैफिक नहीं है यहाँ, ट्रैफिक नज़र आ रहा है आपको? अभी वही है, ट्रैफिक नज़र आ रहा है। कितने दिनों से यहाँ ट्रैफिक नहीं है? अभी तो नज़र नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, टाइम है 8:00 बजे से, 8:00 बजे से ट्रैफिक नहीं है? अभी तो नहीं है, तत्काल में अभी नहीं है, तत्काल। तो क्या अगर ट्रैफिक नहीं रहेगा तो उसका आप लोग पालन नहीं करेंगे ट्रैफिक नियम का? जाम लगा हुआ है, जाम नहीं लगा हुआ, जाम नहीं लगा हुआ, मतलब 2 मिनट रुकते हैं, ज्यादा देर नहीं, 2 मिनट रुके चल, 2 मिनट में ही कोई घटना घट सकती है, होने के लिए 1 सेकंड में कुछ भी हो सकता है। आप मीडिया बना रहे हैं, आपको कुछ भी हो सकता है, हमको कुछ भी हो सकता है, थाना तारीख में गिर सकता हूँ, ऐसा थोड़े है। तो नियम का पालन होना चाहिए, नियम का उचित पालन करना। कहिए क्या कहेंगे आप इस संबंध में, यहाँ के आप नागरिक हैं, यहाँ के आप नागरिक हैं, मान लीजिए क्या कहेंगे आप यहाँ जो ट्रैफिक नहीं है? इन्होंने एक भाई ने कहा कि यहाँ ट्रैफिक पुलिस नहीं है, यहाँ क्या होना चाहिए? ट्रैफिक पुलिस होना चाहिए। क्या ये व्यस्तम चौक है? आप मान रहे क्या व्यस्तम चौक है, ट्रैफिक पुलिस नहीं है, क्या घटना घट सकती है अगर नहीं रहने के कारण? बहुत सा दुर्घटना घट सकती है, कई बार हुआ है। हमारी बात हुई, जहाँ तक मेरा कैमरा जा रहा है 9:30 बजे हैं, यहाँ एक भी ट्रैफिक पुलिस नहीं है, यहाँ ये अति व्यस्तम इलाका है, यहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती है, जाम लगी रहती है, यहाँ भी एक भी ट्रैफिक सिपाही नहीं है। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि शहर की यातायात व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है। मैं एक दो आदमी से ही बात करता हूँ जो यहाँ हमेशा रहते हैं, मैं उनसे ही बात करता हूँ। अच्छा बताइए, ये बागमोर है, शहर का व्यस्तम इलाका है, आपको यहाँ क्या सुरक्षा के दृष्टि से यहाँ क्या कुछ दिखाई पड़ रहा है? ट्रैफिक व्यवस्था होना चाहिए, ट्रैफिक व्यवस्था कमी है, बहुत व्यस्तम जगह है ना, इधर दिल्ली मोड़ से रास्ता जाना है, फिर स्टेशन की तरफ मूव करना है, इधर ये जाना है, तो मतलब यहाँ पर ट्रैफिक नहीं है। अच्छा अगर आप बात करें CCTV कैमरा का, तो आपको कहीं नज़र आ रहा है CCTV? हमें तो ऐसा दिखा नहीं, नहीं दिखा है। ऐसा अपना आप रोजी रोटी यहाँ चलाते हैं, यहाँ ट्रैफिक नहीं दिख रही है, क्या कहेंगे आप? नहीं, यहाँ पर
जिला प्रशासन से मांग करूंगा कि यहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ये VIP रोड है और उसके बाद यहाँ पर पब्लिक पैलेस है, यहाँ पर पब्लिक का आवागमन कुछ विशेष है ना, यहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था जरूरी है। कभी भी जाम लग सकता है, इसमें हम लोग यहाँ पर दो चार लोग रहते हैं जो हमेशा जाम कभी कभी लगता है तो हम लोग छोड़ाते रहते हैं। ट्रैफिक को अविलंब यहाँ पर देना ज़रूरी है। आखिर ये इतना व्यस्त इलाका होने के बाद यहाँ ट्रैफिक क्यों नहीं है? अगर आपको लगे कि CCTV कैमरा तो यहाँ कहीं दिखती है? नहीं, कहीं नहीं। आज से पूर्व कुछ साल पहले लगा था, वो भी खत्म हो गया। यहाँ पे कैमरा अत्यंत जरूरी है, क्योंकि VIP रोड है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पब्लिक का ज़्यादा आवागमन है, इसी में हर लोगों को आना जाना है, SPO DSPO नेता हो या आम पब्लिक हो, यही माए आना जाना है। तो क्या प्रशासन कभी रुक के यहाँ पर इसका मुआयना कभी किया है कि यहाँ क्या नहीं है या क्या क्या कुछ नहीं है? आज तक कभी खोज भी नहीं किए। नहीं किए? नहीं। कैमरे की जहाँ तक नज़र जा रही है, आप लंबा चौड़ा मैं आपको ये दृश्य दिखा रहा हूँ, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, टेम्पू का भरमार है, नियम का कोई अता पता नहीं है, जहाँ जिसे इच्छा हो रहा है कि टेम्पू वो लगा रहे हैं। आप देख लीजिए क्या स्थिति यहाँ की बनी हुई है। अच्छा बताइए, आप दरभंगा शहर के ऑटो जिला अध्यक्ष है, बस और इस चौक पर आप कई वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। अच्छा बताइए, चौक है, अगर मैं जहाँ तक हमारी नज़र गई है, लोगों से भी मैंने पूछा, यहाँ सुरक्षा के नाम पर क्या होना चाहिए क्या नहीं है? सुरक्षा के नाम पर जीरो, यहाँ कोई सुरक्षा नाम का चीज नहीं है। कि मैन चौक हो गया, दिल्ली मोड़ जाने के लिए, बस स्टैंड जाने के लिए, स्टेशन जाने के लिए, चाहे कैदराबाद जाने के लिए, दरभंगा टावर जाने के लिए, यही हो गुजरना है कैदराबाद। मगर यहाँ पर ना CCTV कैमरा है, न यहाँ पर प्रशासन का कोई आदमी रहता है। यहाँ पर ट्रैफिक डिप्टेशन था पहले, अभी जीरो है, कोई डिप्टेशन नहीं है, काम भरोसे चल रहा है। आखिर यहाँ ट्रैफिक पोस्ट भी है, यहाँ लिखा हुआ है कि वाहन धीरे चलाएं, अपना कीमती जीवन को बचाएं। लेकिन देखिए यहाँ आपकी सेवा में, दरभंगा पुलिस आपकी सेवा में, लेकिन देखिए वाहन धीरे चलाएं, कीमती जीवन है, लेकिन देखिए यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा आप बताइए कि इतना होने के बावजूद भी यहाँ व्यवस्था नहीं है, क्या यहाँ क्या लगता है, क्या संकट है? मुख्य रूप से ट्रैफिक इंचार्ज की जिम्मेवारी होता है और मुख्य रूप से पैसा उगाही हो रहा है, ऑटो के पीछे पड़ा रहता है उगाही के लिए, मत ट्रैफिक क्लियर कैसे हो इसकी कोई व्यवस्था नहीं। शहर के अंदर जाइएगा कहीं भी ट्रैफिक नाम का चीज नहीं है, दुकान जो है जाम बन गया और रोड भी है दुकान बन गया, इसीलिए जाम की समस्या हो। अच्छा ये यहाँ जो पुलिस पोस्ट बना हुआ है, इस संबंध में क्या कहेंगे आप? पोस्ट बना हुआ पुलिस चलाने के लिए, कोई पुलिस नहीं रहता, कोई पुलिस नहीं रहता, नहीं कोई पुलिस नहीं रहता, कुत्ता बसेरा करता है। अच्छा यहाँ कितने सालों से आप यहाँ रहते हैं? यहाँ पर 1996 से रहते हैं। 96 से, तो पहले कैसा था, आज कैसा है व्यवस्था? आज कोई व्यवस्था नहीं है, पहले गोष्ठी था, दो सिपाही रहता था, एक हवलदार रहता था, एक सिपाही रहता था, एक होमगार्ड भी रहता था, बढ़िया बड़ा आज के डेट में कुछ नहीं।